महाराज, ऐसी प्रसन्नता की घड़ी में आपके मुख पर चिंता की रेखाएं? महाराज, आपको किसी भी प्रकार की चिंता हो आप हमें बताइए। हम चिंतित नहीं है गुरुवर, अपितु सोच रहे हैं कि जैसे ही हमारे राज्याभिषेक की चर्चा आरंभ हुई वैसे ही बाधाएं आ गईं। क्या देवी माँ नहीं चाहती कि हमारा राज्याभिषेक हो? ऐसा नहीं है महाराज, देवी माँ की तो सदैव आप पर असीम अनुकंपा बनी रही है, अतः आगे जो भी होगा शुभ ही होगा। दाई माँ, प्रणाम। दाई माँ, ये लीजिए महाराज, देवी माँ का प्रसाद। आपकी कुशलता की कामना करने के लिए हम देवी माँ के मंदिर गए थे। दाई माँ, आप हमें महाराज कहकर संबोधित मत किया कीजिए, पुत्र कहा कीजिए, क्योंकि माँ तो माँ होती है, फिर चाहे वो देवी माँ हो, जन्म देने वाली माँ हो, या फिर हमारा जन्म करवाने वाली दाई माँ हो। सदा सुखी रहो पुत्र, ईश्वर करे तुम पर कभी किसी की कुदृष्टि ना पड़े। मुझे वो दिन भी याद है जब तुम्हारा जन्म हुआ था, तुम तब भी इतने सुंदर थे और आज भी उतने ही सुंदर हो। भले ही तुम्हारा मुख बदल गया हो किंतु स्वभाव वही है। अब हम जाकर महारानी को प्रसाद दे आते हैं। क्या हुआ महाराज? दाई माँ की बातों ने हमें आभास करवाया कि हमसे कितनी बड़ी भूल हो गई। कैसी भूल महाराज? वैद्य गोपाल कृष्णन जी, वो महान शल्य चिकित्सक जिन्होंने न केवल हमारे प्राण बचाए अपितु हमारे झुलसे चेहरे को ठीक कर हमें ये नया चेहरा भी दिया, और हम उन्हें ही अपने राज्याभिषेक में निमंत्रित करना भूल गए। महाराज, मैंने कहा था ना, देवी माँ की आप पर असीम अनुकंपा है। देखिए कैसे उन्होंने दाई माँ के माध्यम से आपको इस भूल को करने से बचा लिया। आप उचित कह रहे हैं पंडित रामाकृष्णा, हमारी ये इच्छा है कि उन्हें यहाँ बुलाया जाए और वो हमारे राज्याभिषेक में सम्मिलित हो और हम उन्हें पुरस्कृत करें और ढेरों उपहार देकर अपना आभार व्यक्त करें। इस कार्य का भार हम पंडित रामाकृष्णा को सौंपना चाहते हैं। महाराज, पंडित रामाकृष्णा, आप स्वयं गुरुजी को लेने उनके आश्रम जाएंगे और उन्हें ससम्मान विजयनगर लेकर आएंगे। जैसी आपकी आज्ञा महाराज। महाराज, आज हम आपसे एक पहेली पूछना चाहते हैं। वो क्या है जो आपके समीप है किंतु आप उसे छू नहीं सकते? कोई बात नहीं महाराज, हम आपको बताते हैं। इसका उत्तर है स्वप्न, जो हमारे समीप तो होता है किंतु हम उसे छू नहीं सकते। अद्भुत गुरुवर, अद्भुत। क्या पहेली पूछी आपने? महाराज, आज ही हमने बनाई है। अच्छा, आपका ये गुण तो हमें ज्ञात ही नहीं था। क्या करें महाराज, सब भगवान शिव की कृपा है। गुरुवर, आपको एक अत्यंत रोचक बात बताएं? बताइए महाराज। यही पहेली 3 दिवस पूर्व हमसे पंडित रामाकृष्णा ने भी पूछी थी। है? सच? सच। अरे हाँ, हम भूल गए, हमने ही बताई थी उन्हें। अच्छा, अभी अभी तो आपने कहा कि आपने कल ही बनाई है। ये भी हम भूल गए, हम ये कहने के। महान शल्य चिकित्सक वैद्य शिरोमणि श्री गोपाल कृष्णन महाराज पधार रहे हैं। गुरुदेव, सदैव मोर की भांति प्रसन्न रही है। महाराज, मैं आपके आदेशानुसार वैद्य शिरोमणि श्री गोपाल कृष्णन जी को अपने साथ ले आया, और सच कहूं तो इनसे भेंट करके मुझे अत्यंत सुख की प्राप्ति हुई है। पंडित रामाकृष्ण, हम आपके अत्यंत आभारी हैं
हमारे गुरुदेव तो हैं ही ऐसे कि इनसे भेंट करके किसी को भी प्रसन्नता हो। विजयनगर में आपका हार्दिक स्वागत है, आसन ग्रहण कीजिए। नहीं महाराज, मैं यहीं ठीक हूं, आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए। महाराज मेरी ओर से आपको सब प्रेम भेंट, सदा मोर की भांति प्रसन्न रहिए। कितने सुंदर कबूतर है महाराज, हम इन्हें अपने कक्ष में रखेंगे और प्रतिदिन दाना स्वयं बनाकर इन्हें खिलाएंगे, तब तो ये उड़ जाएंगे। जी महाराज, आपने कुछ कहा? कुछ नहीं, आप अवश्य इन्हें अपने कक्ष में रख सकती हैं छोटी रानी। धन्यवाद। गुरुदेव, मार्ग में कोई कष्ट तो नहीं हुआ? नहीं नहीं महाराज, पशु पक्षियों के साथ और पंडित रामकृष्ण के साथ बातें करते हुए कुशलता पूर्वक पहुंच गए। ओह महाराज, हमें गर्व होता है अपनी कला पे। माँ सरस्वती ने क्या कला दी है हमारे हाथों में। हमें आज भी याद है आपका वो झुलसा हुआ चेहरा, जिसे देख के कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि आपको सिंह जैसा ओजस्वी और हंस जैसा उज्जवल मुख पुनः प्राप्त होगा। महाराज, आप हमारी सर्वश्रेष्ठ कलाकृतियों में से एक है। आपने हमें ये नया मुखमंडल ही नहीं अपितु नया जीवन भी दिया है, इसके लिए हम सदैव आपके आभारी रहेंगे गुरुदेव। अरे एक शुभ समाचार है, गटरू मटरू को 3 संतानें हुई। गटरू मटरू? ये तो अत्यंत शुभ समाचार है। महाराज, ये गटरू मटरू कौन है? गुरुदेव के आश्रम में रहने वाले वानर और वानरी की जोड़ी। उन्हीं के 3 संतानें हुई। हमें आज भी स्मरण है, जब हम गुरुजी के आश्रम में रहकर अपना उपचार करवा रहे थे, तब गटरू और मटरू प्रतिदिन वृक्षों पर चढ़कर हमारे लिए भांति भांति के फल तोड़कर लाया करते थे। है? सत्य तो ये है महारानी कि गुरुदेव को पशु पक्षियों जीव जंतुओं से अत्यंत प्रेम है। आपसे भी है महाराज, जब हमने आपको पहली बार देखा था तभी हमें ज्ञात हो गया था कि आप में सिंह का रौब है, गज की शक्ति है। सत्य वचन, सत्य वचन। हमारे महाराज तो है ही सिंह वन का राजा, और हमारे महाराज श्री कृष्णदेव राय विजयनगर के राजा। ये मेंढक कौन है? किधर है मेंढक? कौन है मेंढक? किसे कहा मेंढक? आपको? गुरुजी, ये मेंढक नहीं है, ये विजयनगर के राजगुरु हैं। राजगुरु तथा आचार्य। क्षमा कीजिए महाराज, मुझे हर मनुष्य में पशु पक्षी दिखाई देते हैं, किंतु इनके बारे में हमारा कथन एकदम सत्य है। ये बिल्कुल मेंढक के संबंधी दिखाई पड़ते हैं, किंतु आप चिंतित ना हो, हम शल्य चिकित्सक हैं। हम शल्य चिकित्सा करके आपके कान और नाक को ऐसा काटेंगे पीटेंगे, ऐसा काटेंगे पीटेंगे कि आप कम से कम मेंढक से काक तो जरूर दिखाई पड़ेंगे। काक और पंडित रामकृष्ण, आपके नेत्र बतख की भांति। बतख की भांति? जी, किंतु आप चिंतित ना हो, हम शल्य चिकित्सा से उन्हें हिरण की भांति बना देंगे। हिरण की भांति? गुरुदेव, ये हमारी रानियां हैं। बाईं ओर हमारी बड़ी रानी महारानी चिन्ना देवी, और दाईं ओर हमारी छोटी रानी महारानी तिरुमालंबा। प्रणाम। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। महारानियों में इनको क्या दिखा? बड़ी रानी, आप अत्यंत सुंदर है, किंतु एक त्रुटि है। त्रुटि? आपके कान जो है
वो गरुड़ की भांति। इन पर शल्य चिकित्सा करके इन्हें गौरैया की भांति बनाना होगा। और आप छोटी रानी, हाँ? कि तू हमारे कान तो सुंदर है ना? आपके कान अवश्य सुंदर है। धन्यवाद। किंतु आपकी ठुड्डी, ठुड्डी, ठुड्डी थोड़ी सी टेढ़ी है, गिलहरे की भांति। पर आप चिंतित ना हो, हम आपको एक ऐसा लेप देंगे जिसे लगाने के बाद आपकी ठुड्डी गिलहरी से हंसनी की भांति हो जाएगी। सबसे पहले हम हमराज गुरु तथाचार का मुखमंडल सुधारेंगे। ना 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 ना, हम जैसे हैं वैसे ठीक। अरे क्या ठीक है, ये देखिए महाराज को मैंने कितनी कितनी सुंदर सूरत दी है। गुरुदेव, अब आप यहाँ आ ही गए हैं तो भिन्न भिन्न विषयों पर चर्चाएं तो होती ही रहेंगी, परंतु हम तो इसी बात से अत्यंत प्रसन्न हैं कि आप विजयनगर आए और हमें अनुग्रहित किया। सत्य तो ये है गुरुदेव कि आपने हमें पुनर्जन्म दिया। गुरुदेव, आपने हम पर जो उपकार किया है उसका बदला तो हम जीवन पर्यंत नहीं चुका सकते, परंतु हमने आपको जब भी कभी कुछ देने का प्रयास किया तो ना तो आपने हमें कुछ देने दिया, ना ही स्वयं कभी कुछ मांगा। परंतु अब हम आपकी एक नहीं सुनेंगे, आप हमारे राज्याभिषेक के पुण्य अवसर पर आए हैं, इसलिए अब हम आपको खाली हाथ जाने नहीं देंगे। बताइए क्या इच्छा है आपकी, हम आपको क्या भेंट दे सकते हैं? हमने सदैव आपसे कहा है कि उचित अवसर आने पर हम आपसे मांग लेंगे, और आपने भी सही कहा कि इससे उचित अवसर और क्या हो सकता है। किंतु ऐसा भी संभव है महाराज कि हम आपसे कुछ ऐसा मांग ले जो आप देने में असमर्थ हो जाए। अहो भाग्य हमारे, जो आपने हमें इस योग्य तो समझा। आप आदेश दीजिए, हम आपको भेंट में क्या दे सकते हैं? क्या हुआ गुरुजी, गले में कुछ अटक गया? जल मंगवाओ। अरे भालू जैसी बातें मत करो। भालू? और सब के सब ये ध्वनि निकालो। बड़ा आनंद आया, महाराज ने बताया नहीं कि आप संगीतकार भी हैं, बड़ी अच्छी धुन थी। नेवले जैसी बातें मत करो। नेवला? ये धुन नहीं, अपितु दो विषैली मक्खियां यहाँ पे प्रवेश कर गई थी, और ये हम की ध्वनि से वो विषैली मक्खियां भाग गए। देखो कहीं दिखाई दे रही है नहीं? हाँ सच में मक्खियां तो विलुप्त हो गई। गुरुजी तो हैं ही गुणों के भंडार, आदेश दीजिए गुरुजी, हम आपको भेंट स्वरूप क्या दें? हीरे, मोती, आभूषण, माणिक्य, जो भी आप कहें। अवश्य ही स्वर्ण हीरे जवाहरात की बात सुनकर ये प्रसन्न हो गए हैं। सूरत तो मेंढक जैसी है ही, किंतु बुद्धि गर्दभ जैसी। गुरुजी गर्दव का अर्थ पता है? हाँ, गधा। हमें गधा कह दिया? हाँ, आपने बात ही ऐसी की। अरे वन में रहने वाले को धन हीरे जवाहरात से क्या प्रयोजन? ये बात सुनकर तो मेरे कबूतर भी हंस पड़े। तो आपको क्या चाहिए गुरुजी? महाराज, भले ही मैं जड़ी बूटियों का सेवन करके अपने आप को शक्तिशाली बनाए रखता हूँ, किंतु ये सत्य है कि अब मेरी आयु हो चुकी है। ऐसे कई कार्य है महाराज जिन्हें करने में मैं असमर्थ हूँ। महाराज मुझे आपसे ऐसे दो सेवक चाहिए जिनमें शारीरिक बल ही नहीं बल्कि मानसिक बल भी हो, जो सिर्फ चतुर ही नहीं बुद्धिमान भी हो। रामा, जब भी कोई बुद्धिमता की बात करता है तो मुझे भय लगता है। मुझे भी बंधु। महाराज आपको अवश्य स्मरण होगा, जब आप हमारे आश्रम में उपचार करवा रहे थे तब आप हमेशा अपने राज्य के दो अनूठे व्यक्ति के बारे में हमें बताया करते थे, जो गुणों में त्रिफला, उपयोगिता में अश्वगंधा और योग्यता में गिलोय की भांति हो। महाराज मुझे आपके वो दो रत्न दे दीजिए।
एक तो ये मेंढक की सूरत वाले विजयनगर के राजगुरु तथाचार्य, और दूसरे हिरण की सूरत वाले पंडित रामकृष्ण। तेरे चक्कर में 20 वर्षों तक वन में रह के आया हूँ, पुनः वन नहीं जाऊंगा। अरे तू चुप करना बंधु। महाराज आप इन दोनों को हमारे साथ वन की ओर प्रस्थान करने की अनुमति दे दीजिए। सर्वप्रथम तो हम इन दोनों की सूरत में सुधार करेंगे और वन के कार्यों में ये इतना व्यस्त हो जाएंगे कि इनको विजयनगर का स्मरण तक नहीं होगा, और इन्हें जो भी चोट लगेगी उनका उपचार हम हमारी जड़ी बूटियों से कर देंगे। चोट 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 क्यों लगेगी? आप क्या हमसे वो करवाने वाले, अर्थात वो कुश्ती लड़वाने वाले? कुश्ती से कम भी मत समझिएगा, वो वन है, वहाँ कठिन जीवन है। क्षमा चाहते हैं गुरुदेव, परंतु आपने हमसे जो मांगा है वो हम आपको कैसे दे सकते हैं? ये संभव नहीं। एक सामर्थ्यवान राजा असमर्थ है। महाराज जब हमने इन दोनों को देने के पूर्व सोचा नहीं तो आप इतना सोच विचार क्यों कर रहे हैं? गुरुजी, जिन दोनों को आप मांग रहे हैं वो हमारे हृदय के ही दो हिस्से हैं। यदि पंडित रामकृष्ण हमारे विशेष सलाहकार हैं, तो गुरुवर तथाचार्य जी विजयनगर के ज्ञान धर्म और नीति के मार्गदर्शक हैं। ये देखने में दो व्यक्ति अवश्य है, परंतु वास्तव में हमारी काया का ही अभिन्न अंग है। भला कोई अपने हाथ काट कर कैसे दे सकता है? बहुत ही आसान है महाराज, तलवार से। उपहास कर रहा था। उपहास कर रहे हैं। जैसा उपहास आपने किया था महाराज, कि आपके प्राणों की रक्षा करने के बदले, आपको नया जीवन नई सूरत देने के बदले हम आपसे जो मांगेंगे आप हमें देंगे। आप हमसे और जो चाहे मांग लीजिए, हम आपकी हर इच्छा पूर्ण करेंगे, परंतु ये इच्छा पूर्ण करना संभव नहीं। ठीक है महाराज, हम आपकी समस्या का समाधान कर देते हैं। हम इन दोनों को आपसे नहीं मांगते, अपितु इनमें से किसी एक को मांगते हैं। पर महाराज आपको यह तय करना होगा कि इनमें से किसे आप हमारे साथ जाने की आज्ञा देंगे। गुरुजी, वो महाराज ने मेरी जितनी भी प्रशंसा की है ना, वो तो मात्र उनका मेरे प्रति प्रेम है, अन्यथा मैं किसी योग्य नहीं हूँ। आप जिसे चंदन समझ रहे हैं ना, वो मात्र बबूल के सिवा और कुछ भी नहीं है, जिसमें कांटे ही कांटे हैं। मुझे साथ ले जाकर तो आपको अत्यंत पछतावा होगा। आप गुरुवर जी को ले जाइए। और यदि आप हमें ले गए तो पछतावा भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हम तो बड़े मुंह हैं, आलसी हैं। हम तो स्वयं मुझकर स्वयं के लिए एक कुल्लड़ जल नहीं ले पाते, आपकी सेवा क्या करेंगे? अरे कर लेंगे गुरुजी, चले जाइए ना। चुप रहो गधो। अरे चिंता की चीटियां त्याग दीजिए, हमारे पास ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां हैं कि जिनका सेवन अगर आप करेंगे तो आप मूषक से मगरमच्छ बन जाएंगे। मगरमच्छ? महाराज हम आपके निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। राजगुरु तथाचार्य या पंडित रामकृष्ण, किसे भेजेंगे आप हमारे साथ? गुरुदेव, पंडित रामकृष्ण और गुरुवर तथाचार्य जी विजयनगर के वो दो नेत्र हैं जिनके प्रकाश पुंज से संपूर्ण विजयनगर में ज्ञान धर्म और नीति का प्रकाश फैलता है। यदि इन दो नेत्रों में से एक भी चला गया तो विजयनगर में अंधकार छा जाएगा। असमंजस में लकड़बग्गे अच्छे लगते हैं महाराज, आप जैसा सिंह नहीं, कोई बात नहीं। विजयनगर के दोनों नेत्रों को विजयनगर में ही ज्ञान धर्म और नीति का प्रकाश फैलाने दीजिए, किंतु विजयनगर की यश और कीर्ति पे जो कलंक लगने वाला है उसका क्या? ये आप क्या कह रहे हैं गुरुजी? विजयनगर की यश और कीर्ति पे कलंक क्यों लगेगा? क्योंकि विजयनगर के महाराज अपने वचन से पलट गए, इनके दिए हुए वचन का कोई मोल नहीं रहा। कह दीजिए महाराज,
कि आप में अपने वचन को निभाने का सामर्थ्य नहीं है। हम अभी इसी समय वन वापस चले जाएंगे। हमें आपसे ऐसे व्यवहार की अपेक्षा नहीं थी महाराज। आपने हमारे हृदय को ठेस पहुंचाई। अब हम यहां एक क्षण भी नहीं रुक सकते। रुकिए गुरुदेव। हम आपको वचन देते हैं कि पंडित रामाकृष्ण अथवा राजगुरु तथाचार्य दोनों में से एक आपको सौंप देंगे। इतिहास साक्षी है कि विजयनगर के महाराज के लिए उनका दिया हुआ वचन उनके प्राणों से बढ़कर है। महाराज आपके इन दोनों रत्नों में से हमें एक रत्न दे दो। एक तो ये मेंढक की सूरत वाले विजयनगर के राजगुरु तथाचार्य और दूसरे हिरण की सूरत वाले पंडित रामकृष्ण। गुरुदेव, आपने जो हमसे मांगा है वो हमारे प्राणों से बढ़कर है, इसलिए हमें इस पर विचार करने के लिए थोड़ा समय चाहिए। उसके पश्चात ही हम किसी निर्णय पर पहुंच सकते हैं। ठीक है महाराज, दिया आपको समय है, पर अब देखते हैं कि आप हमको वो दे पाते हैं या नहीं जो हमने आपसे मांगा। समय अवधि देने के लिए धन्यवाद। गुरुजी को अतिथि कक्ष में लेकर जाइए। नहीं नहीं, अतिथि कक्ष में हमें निद्रा नहीं आएगी। आपके महल में कोई ऐसा स्थान है जहां पे पशु पक्षी रहते हो, हमें वहां विश्राम करने दे। हाँ, है ना, बकरीशाला। हमारे पास बहुत बड़ी बकरीशाला है जहां पर बहुत सारी बकरियां हैं। वहां पर आपको अच्छी निद्रा आएगी। ये उचित होगा, हम बकरियों के साथ विश्राम करेंगे। आज्ञा दीजिए महाराज। महाराज कृष्ण देव राय की जय। 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 क्या गुरुजी, वन का जीवन तो कष्टों से भरा होता है और हिंसक पशुओं का भय भी सदैव ही लगा रहता है। अब देखिए महाराज के गुरुजी आपसे कैसा और कितना परिश्रम करवाएंगे गुरुजी। हाँ गुरुजी, प्रातःकाल ब्रह्मा मुहूर्त में निद्रा से जगा देते हैं और देर रात्रि तक कोल्हू की बैल की तरह परिश्रम करवाते हैं। ये करो वो करो, ये करो वो करो। ओहो, अरे गधो, तुम हमारे साथ सहानुभूति जता रही हो या हमें भयभीत कर रही हो? सहानुभूति? अब आपके अच्छे दिन बीत गए ना। हाँ गुरुजी, विजयनगर में आपके भोग विलास का जितना भी समय था ना, वो सारा समय अब पूर्ण हुआ। अब तो सादा जीवन, उच्च विचार। चुप रहो तुम दोनों और कान खोल कर सुनो। यदि हमें वन जाना पड़ा तो हमारे साथ साथ तुम दोनों भी वन में जाओगे। वो कहते हैं ना, गेहूं के साथ साथ खून भी पीसा जाता है। गुरुजी सुनिए तो, गुरुजी, गुरुजी हम, गुरुजी। नहीं होगा।
नहीं हो सकता, कदापि संभव नहीं हो सकता। कैसा संभव नहीं होगा गुरुवर? वही जो आप अपने मन में सोच रहे। अच्छा, मैं तो अपने मन में ये सोच रहा था कि महाराज मुझे वन भेज देंगे, किंतु अभी आपने कहा जो मैं मन में सोच रहा हूँ वैसा नहीं होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि अब मैं नहीं, आपको वन जाना पड़ेगा। ऐसे कैसे जाना पड़ेगा? महाराज हमें जाने नहीं देंगे, आप ही वन जाएंगे। अरे गुरुवर, विजयनगर छोड़कर मैं वन तो क्या उपवन तक ना जाऊं। मेरे प्राण बसते हैं विजयनगर की धरती में, मेरी श्वास बसती है विजयनगर की वायु में। और तो हमारे प्राण कहाँ बसते हैं? मैसूर में, मल्लापुर में? मुझे क्या पता। अरे छोड़िए, यदि आपके प्राण और श्वास विजयनगर में बसते हैं तो हमारा तो सर्वस्व ही विजयनगर है, समझे? देखिए गुरुवर, अब होने को कौन टाल सकता है। ये तो तय है कि आपका बुढ़ापा अब वन में ही बीतना है। आपने हमें बोला बोला? मैंने तो वही बोला जो सत्य है। सत्य बोलो, बुरा मत बोलो। देखिए सुनिए, वन आप जाएं या मैं, इसका निर्णय तो महाराज को ही करना है ना? तो अब देखते हैं महाराज क्या निर्णय लेते हैं। महाराज की जय हो। ये क्या हुआ आपके पांव को? वही जो नहीं होना चाहिए था महाराज। परंतु कुछ समय पूर्व तो आप ठीक से चल रहे थे। क्या कहें महाराज, वृद्धावस्था, कभी ये टूटता है कभी वो टूटता है। क्या टूट गया? ये घुटने में अत्यधिक पीड़ा हो रही है महाराज, आज जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। अचानक ही स्वास्थ्य साथ नहीं दे रहा महाराज। परंतु आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आपने यहाँ आने का कष्ट क्यों किया? आप हमें बुलवा लेते, आप यहाँ किसी विशेष प्रयोजन से आए हैं। हम आपका दिया हुआ वचन निभाना चाहते हैं, चाहे हमारा स्वास्थ्य उचित हो या ना हो, बस यदि हम आपका वचन निभा पाए तो वो हमारे लिए अत्यंत ही सौभाग्य की बात होगी। बस महाराज आप हमें वन जाने की अनुमति दे ही दीजिए। आप हमारे लिए पिता तुल्य हैं, और कोई पुत्र अपने पिता को वन जाने की अनुमति कैसे दे सकता है, वो भी ऐसी अवस्था में। किंतु महाराज आपका वचन, यही तो समझ में नहीं आ रहा। विचित्र से धर्म संकट में फंस गए हैं हम, और ये समझ में नहीं आ रहा कि अब इस धर्म संकट से निकलें कैसे। मेरे प्राणों से कहीं अधिक बहुमूल्य मेरे महाराज की प्रतिष्ठा है, जिस पर मैं कभी कोई आंच नहीं आने दूंगा। महाराज, पंडित रामकृष्ण। महाराज, मेरे होते हुए यदि आप धर्म संकट में पड़ जाएं, तो मेरा जीवन तो व्यर्थ है। गुरुजी के साथ वन मैं जाऊंगा। ए बंधु, ये क्या कह रहा है रामा? अभी बाहर तो गुरुवर से कह रहा था नहीं जाऊंगा, क्या चल रहा है तेरे मस्तिष्क में? वो तो मैं उपहास कर रहा था बंधु। पंडित रामकृष्ण, आप जाएंगे परंतु वन नहीं, यहां से। और गुरुवर आप भी जाइए और विश्राम कीजिए, क्योंकि अभी तक हमारा निर्णय लेना शेष है। आप दोनों में से कौन बन जाएगा और कौन यहां रुकेगा, इसका निर्णय शीघ्र ही लिया जाएगा। ये क्या कर रहा है शंभो? गुरुजी, प्रणाम। गुरुवर प्रणाम। प्रणाम, क्या कर रहे हो? गुरुजी वृक्षारोपण कर रहे हैं। किंतु क्यों कर रहे हो? पंडित रामकृष्णा जी ने कहा है वृक्ष हमें जीवन देते हैं, अतः जब भी समय मिले वृक्षारोपण कर लेना चाहिए। पंडित रामकृष्णा ने कहा है? जी गुरुवर। अब तक कितने वृक्षों का रोपण किया है तुमने? एक, दो, तीन, चार। गुरुजी अब तक चार वृक्षारोपण किया है मैंने, और हमारे राजकीय महाराज कृष्णदेव राय जी को भी तो वृक्ष अति प्रिय है ना? हाँ वो तो है, किंतु शंभू तुमने बताया नहीं, ये जो भूमि है ये तुम्हारी? अरे नहीं नहीं गुरुवर, ये भूमि तो राज्य की है, तभी तो इसका नाम राज्य वाटिका है ना। हाँ,
तो तुम्हें ज्ञात है कि ये भूमि राज्य वाटिका की अर्थात इस पर राज्य का अधिकार है। तुमने फिर भी राज्य की भूमि पर वृक्षारोपण करने का प्रयत्न किया है। किंतु गुरुवर, वृक्ष लगाना तो अच्छी बात होती है ना, और वृक्ष तो कहीं भी लगाए जा सकते हैं ना। तुम्हारी एक बात सत्य है और दूसरी बात असत्य है। वृक्ष लगाना उचित है, सत्य, किंतु कहीं भी लगाना अनुचित है। तुमने राज्य की भूमि पर वृक्ष लगाए हैं, इसलिए तुम्हें कर देना होगा। परंतु गुरुवर, कैसा कर? वृक्षारोपण का कर, और कैसा कर? तुमने ये जो पौधे लगाए हैं, ये आगे चलकर फलेंगे, फूलेंगे, ये बड़े बड़े वृक्ष बन जाएंगे, उनकी छाया का सुख कौन भोगेगा? तुम भोगोगे जी। इस पर फल लगेंगे, उसका रसास्वादन कौन करेगा? तुम करोगे जी। गुरुवर, कर तो तुम्हें देना होगा। परंतु गुरुवर, पंडित रामाकृष्णा जी ने तो कर के विषय में कुछ भी नहीं कहा था। हम कह रहे हैं ना, स्मरण रहे, पंडित रामाकृष्णा का समय विजयनगर से पूर्ण होने वाला है। अब यहाँ वही होगा जो हम कहेंगे। कर देते हो या बुलाएं सैनिकों को? नहीं 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 गुरुवर, नहीं नहीं, सैनिकों को मत बुलाइए। गुरुजी अभी इतने ही हैं। अच्छा सुनो, इधर आओ, दो चार वृक्ष वहां भी ले जाओ, जाओ। अरे नहीं नहीं गुरुवर, नहीं नहीं, कभी नहीं। अब तो हम स्वयं अपनी भूमि पर भी वृक्षारोपण नहीं करेंगे, कभी नहीं, कभी नहीं। मान गए गुरुजी, ऐठ लिया। अरे आप तो महा लुटेरे निकले। क्या कहा? अर्थात गुरुजी, आज तो आपने हम दोनों का हृदय ही लूट लिया। सच में कितना कुछ सीखने को मिलता है आपसे। हाँ गुरुजी, आप तो वो हैं जो नदी से चल का कर भी वो सुन ले। अरे एक बार पंडित रामाकृष्णा की विजयनगर से विदाई हो जाए, महाराज के हृदय के सबसे समीप होंगे हम, और विजयनगर में पुनः हमारी जय जयकार होगी। हाँ, काम तो हम विजयनगर की भलाई के करेंगे, किंतु हमारा सिद्धांत ये होगा कि ये प्रभु विजयनगर का कल्याण कर, किंतु शुभारंभ हमसे कर। किंतु गुरुजी, आपने बताया नहीं कि महाराज ने आपसे क्या कहा। महाराज क्या कहेंगे? महाराज तो हैं ही सहृदय, हम उनके समक्ष अस्वस्थ होने का अभिनय करते हुए गए और ऐसे चल कर गए। हमने महाराज से कहा, महाराज वृद्धावस्था में घुटने और तन ठीक से काम नहीं करते, किंतु हम फिर भी वन में जाएंगे। ये सुनकर महाराज द्रवित हो गए। तब पहुंच गए पंडित रामाकृष्णा और स्वयं कहने लगे, हम जाएंगे वन। पंडित रामाकृष्णा स्वयं को बहुत बुद्धिमान समझते हैं ना, किंतु वो भूल रहे हैं 100 पंडित रामाकृष्णा की और 1 तथाचार्य की। अब देखते रहो, महाराज वन तो पंडित रामाकृष्णा को ही भेजेंगे, किंतु हम 1 दाव और खेलेंगे ताकि हमारा वन ना जाना सुनिश्चित हो जाए। कौन सा दाव खेलेंगे गुरुजी? ऐसा दाव खेलेंगे कि महारानी तिरुम्बालंबा स्वयं महाराज से कहेंगी कि हमें वन ना जाने दे। महाराज को चिंतित देखकर मैंने वन जाने के लिए बलिदान देने का निर्णय लिया था, किंतु मैं सोच भी नहीं सकता था गुरुवर कि आप मेरे साथ साथ महाराज के साथ भी छल कपट कर रहे हैं। और अब तो मैं ये भी जान गया हूं कि यदि मैं विजयनगर से चला गया तो आप यहां की प्रजा के साथ क्या क्या करेंगे। अब आप देखिए कि मैं क्या करता हूं। बहुत हुआ सम्मान, अब उठाना होगा
बुद्धि का तीर कमान। पंडित रामकृष्ण आप बोले। प्रणाम महाराज। सैनिक इधर आओ। सुनो, चारों ओर चौकसी बढ़ा दो। विजयनगर की सीमा पर भी ये सूचना भेज दो कि किसी भी अनजान व्यक्ति को महल में प्रवेश ना करने दिया जाए। अरे देख क्या रहे हो, जाओ शीघ्रता से करो जो कहा है। पंडित रामकृष्ण आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? क्या हो गया, क्यों इतनी चौकसी बढ़ा रहे हैं आप? महाराज वो आक्रमण। आक्रमण कौन कर रहा है? आक्रमण कैसा आक्रमण? मैंने ना दो व्यक्तियों को आपस में वार्तालाप करते हुए सुना। एक पतला था, दूसरा मोटा। नहीं, दूसरा वाला पतला था, पहला वाला मोटा। और दोनों विजयनगर के भी नहीं लग रहे थे महाराज। मैं उनकी पूरी बात तो नहीं सुन पाया, किंतु बार बार आक्रमण आक्रमण ऐसे वार्तालाप कर रहे थे। विजयनगर पर आक्रमण की बात कर रहे थे? हाँ। विजयनगर पर आक्रमण? नहीं 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 महाराज, विजयनगर का तो नाम नहीं लिया उन्होंने, किंतु मुझे लगा कि हमें सबको चौकन्ना करने देना चाहिए, इसलिए मैं शीघ्र आपके पास भागा चला आया। अच्छा? हाँ। अच्छा ये बताइए पंडित रामकृष्णा कि आपने इन दो व्यक्तियों को ये योजना बनाते हुए कहाँ देखा, कहाँ सुना? वो वहाँ राजसी उद्यान में महाराज, मैंने उन्हें पकड़ने का प्रयास भी किया, किंतु उससे पूर्व भी भागने में सफल हो गए। अच्छा किया पंडित रामकृष्ण जो आप तुरंत हमारे पास चले आए। हाँ। अब आप ही बताइए कि इस समस्या का निवारण कैसे करें, कैसे सामना करेगा विजयनगर इन दोनों आक्रमणकारियों का? क्षमा करें महाराज, किंतु जब तक मैं विजयनगर में हूँ, मैं विजयनगर के साथ कुछ भी अनिष्ट नहीं होने दे सकता। मैं आपको और विजयनगर को छोड़कर वन नहीं जा सकता महाराज। ना 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 ना, क्या पता अपने मन में कौन सी मंशा पाल कर बैठे हो ये दोनों, है कि नहीं? पंडित रामकृष्णा एक अत्यंत प्रसिद्ध लोकोक्ति है जो दूसरों को तैरना सिखाते हैं, कभी कभी वो स्वयं ही डूब जाते हैं, और आज वैसा ही आपके साथ हो रहा है। चतुर से चतुर व्यक्ति का असत्य भी आप क्षण भर में पकड़ लेते हैं, परंतु आज स्वयं आपका ही असत्य पकड़ा गया। नहीं नहीं महाराज, मैं सत्य कह रहा हूँ। अच्छा? हाँ। अभी अभी आपने कहा कि आपने राजसी उद्यान में इन दोनों व्यक्तियों को आक्रमण की योजना बनाते हुए सुना। हाँ। आपको ये भी पता है कि राजसी उद्यान इस समय तक बंद हो जाता है? हाँ। वो दोनों, वो मैं, वो पंडित रामकृष्ण, ऐसा क्या कारण हो गया कि अपनी बात हम तक पहुंचाने के लिए आपको असत्य का सहारा लेना पड़ा? या हमारी मित्रता पर विश्वास नहीं रहा आपको कि हम आपकी बात समझ पाएंगे? नहीं नहीं महाराज, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्षमा कर दीजिए, बहुत बड़ी भूल हो गई। बात तो यह है कि गुरुवर को ऐसी स्थिति में देखकर और आपको इतना विचलित, व्यथित और धर्म संकट में फंसा हुआ देखकर मैंने कह तो दिया कि मैं वन चला जाऊंगा, किंतु सत्य तो ये है महाराज के आपके बिना मैं अपने अस्तित्व की भी कल्पना नहीं कर सकता। मैं तो ये सोचकर भयभीत हो गया हूं कि आपके बिना पुनः कैसे रह पाऊंगा। इतने वर्षों बाद तो आप मिले हैं। पंडित रामकृष्णा, हम आपकी भावनाओं को समझते भी हैं और उनका सम्मान भी करते हैं। हम भली भांति जानते हैं कि हमारे प्रति आपका प्रेम निश्चल, निस्वार्थ, असीम है। उसी प्रकार आपके लिए हमारा प्रेम भी अविरल है। हम ये बात भी भली भांति जानते हैं कि यहां से जाना आपके लिए जितना कष्टकारी सिद्ध होगा, उतना ही दुष्कर हमारे लिए भी होगा। परंतु निर्णय तो लेना ही होगा पंडित रामकृष्णा। आप चिंता ना करें, हम जो भी निर्णय लेंगे उसमें सबकी भलाई निहित होगी, और अपना निर्णय हम कल ही सबके समक्ष रखेंगे। आइए 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 ना, मेरा पुत्र। पुत्र? अरे शारदा, रामा को मिष्ठान खिला। मिष्ठान? ये लीजिए, खाइए। देखिए, आज हमने आपके पसंद के पकवान और मिष्ठान बनाई है, खाइए ना। खाइए।
सच बताओ, इतने सारे पकवान खिलाकर तुम दोनों मेरी बलि चढ़ाने वाली हो ना? नहीं नहीं नहीं, बाद में कुछ बताओगी, इससे अच्छा है अभी बता दो कारण क्या है, ये इन सब का कारण क्या है? कारण ये है कि हम दोनों अत्यंत प्रसन्न हैं। क्यों प्रसन्न हो? आज हमने अपना व्यवसाय शुरू किया है। व्यवसाय? कैसा व्यवसाय? साड़ी का व्यवसाय। अच्छा, क्या? हाँ, हमने हमारी जमा पूंजी और गहने बेच के साड़ी खरीदी है। साड़ी हम उधार पे बेचेंगे और जब हमें पैसे मिलेंगे तो ब्याज के साथ मिलेंगे। हर साड़ी पे 2 स्वर्ण मुद्रा का अतिरिक्त लाभ होगा। घर बैठे बैठे कोई कार्य नहीं करना है और धन एकत्रित करना है, बस है ना लाभ का सौदा? अत्यंत लाभ का सौदा है, किंतु तुम दोनों के लिए नहीं, अपितु उन लोगों के लिए जिन लोगों को तुम दोनों ने उधार पे साड़ी दिया है। अरे, ऐसा क्यों कह रहा है? क्योंकि अम्मा, या तो तुम वन से विजयनगर आओगी या उन लोगों को विजयनगर से वन आना पड़ेगा, क्योंकि हम सब वन जा रहे हैं। अरे, तू हमें भ्रमण करने ले जा रहा है? किंतु वन में क्यों? अरे, भ्रमण करने नहीं जा रहे हैं, तितलियों की तरह क्या उड़ रही हो? बात ये है कि महाराज, मुझे आपके वो 2 रत्न दे दीजिए। एक तो ये विजयनगर के राजगुरु कथाचार्य और दूसरे पंडित रामकृष्ण ने हमसे जो मांगा है वो हम आपको कैसे दे सकते हैं? ये संभव नहीं है। हम इन दोनों को आपसे नहीं मांगते, अभी तो इनमें से किसी एक को मांगते। अब यदि महाराज ने मुझे उनके गुरुजी के साथ वन भेज दिया तो तुम दोनों भी तो मेरे साथ वन ही आओगी ना? हे देवी माँ, अब क्या होगा? हमने तो अपने सारे गहने बेच के पूंजी पूंजी एकत्रित करके सारा धन व्यवसाय में लगा दिया, अब क्या होगा? सोते रहो, बड़े आए व्यवसाय करने वाले। मुझे क्यों मारी हो? मैंने क्या किया? सब तेरे कारण ही हुआ है। सदैव अपनी बुद्धि का प्रदर्शन करता रहता है। देख, अब गुरुजी तुझसे प्रभावित होके तुझे अपने साथ वन में की जा रहे हैं। हाँ, यदि हम सब वन गए तो हमारा सारा धन डूब जाएगा, और यदि आप अकेले वन गए तब भी हमारा सारा धन डूब जाएगा। वो कैसे? क्योंकि सबको ज्ञात है कि आप महाराज के मुख्य सलाहकार हैं और दरबार में कार्यरत, इसीलिए कोई भी आपके भय से हमें सूद और मूलधन की वापसी करने में कोई आनाकानी नहीं करेगा। किंतु अब तू वन जाने की बात कर रहा है। वाह वाह, धन्य हो मेरे घर की दोनों देवियों। अपने धन की पड़ी है, अपने मूल की पड़ी है, अपने सूद की पड़ी है, मेरी किसी को नहीं पड़ी। चुप कर, बातें बनाना बंद कर और अपनी बुद्धि यहाँ भी लगा। कोई ऐसी युक्ति लगा जिससे कि तू वन जाने से भी बच जाए और हमारा धन डूबने से भी। शिव शंभु, जय शिव शंभु। महारानी तिरुमलम्बा कहाँ है? महारानी तिरुमलम्बा की जय। गुरुवर, महारानी तिरुमलम्बा की जय। गुरुवर, 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 ये आप क्या कर रहे हैं? हमें पाप का भागी क्यों बना रहे हैं? गुरुवर, आप हमारे राजगुरु हैं, उठिए उठिए, लीजिए आप ये ग्रहण कीजिए। ये क्या? आज हमने अपने हाथों से करेले की खीर बनाई है, आपको अत्यंत स्वादिष्ट लगेगी, लीजिए ग्रहण कीजिए। क्यों? हाँ, हमने कहा क्यों नहीं, क्यों नहीं। अवश्य। है ना स्वादिष्ट? अब हमें ज्ञात हुआ कि शिवजी को आपके हाथों के बने हुए भोजन इतने प्रिय क्यों लगते हैं? भगवान शिव जी, वो जो त्रिकालदर्शी हैं जी, वो जो हिमालय में रहते हैं जी, जिन्हें क्रोध आता है। हाँ, वही 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 हमारे इष्ट देव भगवान शिव। भगवान
हमारे स्वप्न में आए थे। अच्छा। और हमें कहने लगे, तथाचार्य पुत्र जाओ और जाकर महारानी तिरुमलम्बा को हमारा संदेश दे दो, क्योंकि हाथों का बना हुआ व्यंजन हमें अति प्रिय लगता है। किंतु गुरुवर जी, हमने तो भगवान शिव को कभी अपने हाथों से व्यंजन खिलाए ही नहीं, तो फिर वो हमारे भोजन के प्रशंसक कैसे हो गए? हाँ, वो जो कल आपने हमें भोजन बांध कर दिया था ना, हमने भगवान शिव को अपने हाथों से भोग लगाया। अब आप देखिएगा महारानी, एक दिन भगवान शिव स्वयं आपको दर्शन देंगे और आप उन्हें अपने पास बिठा कर अपने हाथों से बना हुआ भोजन खिलाएंगे। कैसा लगा? अति उत्तम। आप कहाँ खो गई महारानी? दर्शन दिए और हमने स्वयं अपने हाथों से बना उन्हें हलवा खिलाया, पूरी खिलाई। शान, शान। हाँ? क्या कहा आपने? शान? नहीं, नहीं, निश्चिंत। हमने कहा निश्चिंत हो जाइए, आप प्रत्येक सोमवार को हमें भोजन बांध कर दीजिएगा, हम स्वयं अपने हाथों से भगवान शिव को भोग लगा देंगे। अवश्य अवश्य। ओ हो 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 हो, हम तो भूल गए थे, ये तो ऊ हो जाएगा, संभव नहीं हो पाएगा। परंतु क्यों? क्योंकि महारानी वन से जो गुरु आए हैं, हाँ? वही जो सभी जानवरों के ज्ञाता हैं, हाँ? वो तो हमें वन लेकर जा रहे हैं। हाँ? अब यदि हम वन चले गए तो आप भोजन किसे देंगे? हाँ? तो आप क्या करें गुरुवर? एक उपाय है। क्या? महारानी आप महाराज से प्रार्थना कीजिए कि वो हमें विजयनगर में ही रहने दे। उपाय उत्तम है। हाँ। गुरुवर, महारानी चिन्ना देवी की जय हो, महारानी चिन्ना देवी की जय हो। प्रणाम गुरुवर, किंतु क्षमा चाहते हैं, जिस प्रकार आप छोटी महारानी को शिव जी के नाम पर प्रलोभन दे रहे हैं वो उचित नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, हम तो शिव भक्त हैं, सदैव शिव की चर्चा करते हैं। जय शिव शंकर, जय शिव शंभू, जय शिव शंभू, जय शिव शंभू, जय शिव शंभू। छोटी महारानी, लगता है हमारी खीर जल गई। आओ, अब तुम ही बताओ, गुरुजी ने हमें कैसे धर्म संकट में डाल दिया है, क्योंकि हमें तो पंडित रामाकृष्णा और गुरुवर तथाचार्य दोनों समान रूप से प्रिय है, भला हम इन दोनों में से किसी एक को भी वन जाने की अनुमति कैसे दे सकते हैं? महाराज, महाराज। क्या हुआ महारानी, आप इतने क्रोध में क्यों? क्योंकि बात ही कुछ ऐसी है महाराज, हम मानते हैं कि गुरुजी ने आपके प्राणों की रक्षा की, उन्होंने आपको ये नया चेहरा दिया है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि वो कुछ भी अनुचित मांग ले। महारानी, पक्षियों के भी कान होते हैं, थोड़ा धीरे बोलिए। क्यों महाराज, हम धीरे क्यों बोले? क्योंकि गुरुजी पशु पक्षियों की भाषा जानते हैं, ये दोनों जाके उन्हें सब कुछ बता देंगे। महाराज, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें पड़ता है, आइए आइए आइए। महारानी, हम मानते हैं कि गुरुजी की मांग अनुचित है, परंतु आप भी समझने का प्रयास कीजिए, हमारे हाथ वचन की डोर से बंधे हुए हैं, इसलिए हृदय पर पत्थर रखकर ही सही, परंतु हमें पंडित रामाकृष्ण और गुरुवर तथाचार्य दोनों में से किसी एक को तो वन भेजना ही होगा। हाँ तो महाराज, आप गुरुवर को अनुमति दे दीजिए वन जाने की। ये आप क्या कह रही हैं? महाराज, हम जो भी कह रहे हैं उचित कह रहे हैं, यदि विजयनगर से किसी को जाना चाहिए तो वो गुरुवर है, पंडित रामाकृष्ण नहीं। जब हमने स्वयं अपने नेत्रों से देखा कि कैसे गुरुवर छोटी महारानी को अपनी बातों के जाल में फंसा कर इस बात के लिए मना रहे थे कि वो उन्हें वन जाने से रोक ले, जबकि पंडित रामाकृष्ण भी ऐसा कर सकते थे, किंतु उन्होंने ऐसा कोई कृत्य नहीं किया और गुरुवर का यह कृत्य हमें अच्छा नहीं लगा, अतः वन तो गुरुवर ही जाएंगे। नहीं, गुरुवर नहीं जाएंगे, बल्कि पंडित रामाकृष्णा जाएंगे। छोटी महारानी, गुरुवर का सम्मान हम भी करते हैं, किंतु अब समय आ गया है कि वो राजकीय कार्यों से अवकाश लेकर संसारिक मोहमाया से दूर वन में जाकर पूजा और ध्यान करते हुए अपना जीवन व्यतीत करें। तो फिर शिवजी को हमारे हाथ का बना भोग कौन खिलाएगा? महाराज देखिए, अर्थात आयु में गुरुवर तथाचार्य को वन जाना शोभा देता है क्या? पंडित रामाकृष्ण को तो 20 वर्षों तक वन में रहने का अनुभव हो गया है, इसीलिए आप पंडित रामाकृष्ण को ही वन जाने की अनुमति दीजिए। हाँ नहीं,
बंधु गुरुवर ही जाएंगे। पंडित रामकृष्ण गुरुवर जाएंगे। पंडित रामकृष्ण महाराज आप मौन क्यों हैं? आप कह क्यों नहीं देते कि वन गुरुवर जाएंगे? नहीं महाराज, गुरुवर नहीं जाएंगे बल्कि पंडित रामकृष्ण वन जाएंगे। महाराज यदि आपने हमारी बात टालकर पंडित रामकृष्ण को वन भेजा तो हम आपसे कह दे रहे हैं कि हम सदैव के लिए अपने मायके चले जाएंगे। और महाराज यदि आपने हमारी बात टालकर गुरुवर तथाचार्य को वन भेजा ना तो हम बता देते कि हम भी सदैव के लिए अपने मायके चले जाएंगे। हाँ हमारी बात तो सुन लेते। नहीं तुम नहीं। पता नहीं महारानी तिरुमल लंबा की सलाह महाराज ने मानी होगी या नहीं मानी होगी। हमें को युक्ति लगाते जिसे महाराज हमें वन जाने का आदेश ना दे। प्रणाम गुरुवर। प्रणाम महाराज। इतना सुखद अनुभव होता है इस प्रकार आपके साथ यूं राजदरबार तक जाने का। हम तो जीवन भर आपके साथ ऐसे ही चलने की आकांक्षी है। क्या हुआ गुरुवर? वृद्धावस्था महाराज। प्रणाम महाराज। प्रणाम गुरुवर। हाँ ठीक है ठीक है। महाराज मैं तो आपसे ये कहने आया था कि मैंने अपना निर्णय बदल लिया महाराज। क्या? अर्थात क्यों? क्योंकि गुरुवर आपका वन जाना अति आवश्यक है। ये आवश्यक है कि आप गुरुजी के सानिध्य में रहें। महाराज आप तो स्वयं जानते हैं कि गुरुजी कितने बड़े वैद्य हैं। उन्होंने आपका उपचार भी किया और आपके प्राणों की रक्षा की। अब मैं इतना स्वार्थी तो नहीं हो सकता ना महाराज कि स्वयं वन चला जाऊं और गुरुवर जो इतनी शारीरिक पीड़ा में है उन्हें वन जाने से रोक दूं। गुरुवर आप तनिक भी चिंता ना करें। मुझे पूर्ण विश्वास है कि गुरुजी आपको जड़ी बूटियों का सेवन करवा के आपको पीड़ा मुक्त कष्ट मुक्त और रोग मुक्त कर देंगे। नहीं नहीं महाराज हम वो पंडित रामकृष्ण का कथन उचित है। नहीं महाराज हमारे जो राज वैद्य हैं वो अत्यंत गुणी राज वैद्य हैं। हम उनसे अपना उपचार करवा लेंगे। है ना गुरुवर वन तो आपको जाना ही होगा। अरे चुप रहिए आप। आप कौन होते हैं हमें वन में भिजवाने वाले? हम आपकी सब तिक्रम को समझते हैं पंडित रामकृष्ण। और आप भी कान खोल कर सुन लीजिए। हम महाराज के चरणों को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। अंतिम श्वास तक हम विजयनगर में रहेंगे। हाँ वाह वाह आपका प्रेम प्रेम और मेरा प्रेम कुछ नहीं। यदि आपको महाराज से प्रेम है ना तो मुझे भी है। यदि आपको विजयनगर से लगाव है ना तो मुझे भी है। हाँ किंतु हम तो नहीं जाएंगे आप जाएंगे। जाना तो आपको पड़ेगा ही। हम नहीं जाएंगे आप जाएंगे। आपको जाना पड़ेगा। आप जाएंगे। आप जाएंगे। आप दोनों में से कौन विजयनगर रहेगा और कौन वन में जाएगा इसका निर्णय हमें करना है। और अपना निर्णय हम आज राजदरबार में सबके समक्ष सुनाएंगे। गुरुजी नहीं आए अभी तक। बकरी धनी हाँ। ये विचित्र गुरुजी बकरी लेकर आ रहे हैं दरबार में। जरूर कुछ विचित्र सोचा होगा इन्होंने अपने मस्तिष्क में। प्रणाम गुरुजी। सदा सुखी रहो। अच्छा ये बात है लोमड़ी। लोमड़ी ये लोमड़ी नहीं है बकरी है। मैं लोमड़ी इसका नाम है। ये हमसे अपनी समस्या बता रही है। ये कह रही है कि इसका ध्यान ठीक से नहीं रखा जा रहा इसलिए हम इसे दरबार में लेके आए। इसने आपसे हिंदी में बात की? हमसे तो कभी नहीं करती। हमें बकरी की भाषा आती है। अच्छा किंतु गुरुजी ये आपसे कह क्या रही है? ये हमसे कह रही है कि वन में आपको ले जाए। जाइए जाइए ले जाओ ले जाओ। उपहास कर रहे हैं। ये कह रही है कि इस महल में पालतू पशुओं की देखभाल करने वाला इसे प्रतिदिन स्नान नहीं कराता इसलिए इसे खुजली हो गई है। गुरुजी हम इस विषय पे पूछताछ करेंगे। जी धन्यवाद।
ऐसे क्या दिख रहे हैं आप? आप यहाँ आइए। आप आइए यहाँ। आप कौन? आपको बुला रहे हैं गुरुजी। इधर उधर क्या देख रहे हैं? बोली। हाँ आप यहाँ आइए। कहाँ पे? यहाँ पे। अच्छा और पीछे, और पीछे। कहाँ पे? यहाँ पे। इसे खुजली हो रही है। तो हम क्या करें? बस यही कहने के लिए बुलाया था। अरे खुजाने के लिए बुलाया है। क्या हम बकरी को खुजली करें महाराज? हाँ आप ही खुजाएंगे। और अगर ये बकरी आपकी सेवा से प्रसन्न हुई और हमारे पास आकर इसने आपकी प्रशंसा की तो हो सकता है कि हम आपको इसके पास यही सेवा करने के लिए छोड़ जाए। अच्छा चलिए खुजाइए खुजाइए। चलिए खुजला दे। वहां वहां पीछे। ए भगवान कहीं हमें खुजली ना हो जाए। बस हो गया हो गया हो गया। हो महाराज आप उस बाघ की भांति दिख रहे हैं जिसके हृदय में ये मंथन चल रहा हो कि हिरण का आखेट करे कि बारासिंगे का। बाघ के लिए दोनों का आखेट करना अत्यंत आसान है गुरुजी, क्योंकि उसे दोनों से कोई स्नेह नहीं है। सत्य तो ये है कि हमारी दशा उस मछली की भांति है जिसके लिए जल को त्यागना अत्यंत कठिन होता है। पंडित रामकृष्ण और गुरुवर तथाचार्य हमारे लिए उसी जल के समान है। महाराज तो हम कौन सा आपसे आपका संपूर्ण जल मांग रहे हैं? हम तो जल का आधा हिस्सा मांग रहे हैं। और अगर जलाशय आधा भी भरा हो तब भी मछलियां जीवित रह सकती हैं महाराज। तो कहिए महाराज क्या निर्णय लिया आपने? पंडित रामकृष्णा या राजगुरु तथाचार्य, किसे भेजेंगे आप हमारे साथ वन में? हमारा निर्णय ये है गुरुजी कि हम इस विषय में कोई भी निर्णय नहीं लेंगे, क्योंकि पंडित रामकृष्ण और गुरुवर तथाचार्य दोनों ही हमें समान रूप से प्रिय है। एक हमारे लिए पिता तुल्य है और दूसरा हमारा परम प्रिय मित्र, और दोनों ही विजयनगर के लिए अत्यंत आवश्यक भी है। ये कैसा उपहास है महाराज? आप अपने दिए हुए वचन से पुनः मुखर रहे? बताइए किसे हम अपने साथ वन ले जाएं? क्योंकि आज हम किसी एक को तो अपने साथ वन लेकर ही जाएंगे। गुरुजी सत्य तो ये है कि इस विषय में निर्णय लेने का अधिकार हमारा है ही नहीं, क्योंकि पंडित रामकृष्ण और गुरुवर तथाचार्य इस विजयनगर राज्य की धरोहर है। दोनों ही प्रजा को समान रूप से प्रिय भी हैं और दोनों ही प्रजा के लिए अत्यंत आवश्यक भी हैं। अतः यह निर्णय हमारा नहीं है, यह निर्णय है विजयनगर की प्रजा का। सत्य वचन, सत्य वचन। इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि विजयनगर राज्य में आम चुनाव होंगे जहां प्रजा अपना मतदान करेगी। गुरुवर तथाचार्य और पंडित रामकृष्ण, इन दोनों में से जिसे भी अधिक मत मिलेंगे वो यही विजयनगर राज्य में ही रहेगा, और जिसे प्रजा द्वारा अल्प मत मिलेंगे वो आपके साथ वन के लिए प्रस्थान कर जाएगा। अब देखना ये है कि विजयनगर की प्रजा किसे कितने मत देती है। कहाँ फंसा रहे हैं महाराज?
धनी बोल मने क्या सोचा? अरे इसमें सोचने जैसा तो कुछ है ही नहीं, मतदान तो केवल पंडित रामकृष्ण को ही करना है। हाँ सत्य का वो दुष्ट पाखंडी बुढ़ा वन चला जाए, फिर से राजगुरु बन जाएंगे। सोच ये सोच मने कितना आनंद आएगा। अरे तुम जैसे शिष्यों को पालने से अच्छा है कि हम सर्प पाल ले। हमारे वन में जाने के स्वप्न देख रहे हो हमारे? स्मरण रहे यदि हम वन में गए तुम दोनों को हमारे साथ चलना होगा। नहीं जाएंगे। चलना होगा। अरे गुरुजी लग रहे, गुरुवर ये क्या अनर्थ कर रहे हैं आप? इन बेचारे भोले भालों को बांस की भांति सीधे साधे धनी मनी को क्यों पीट रहे हैं आप इस तरह? पंडित रामकृष्ण राजनीति और वो भी हमसे। पंडित रामकृष्णा एक बात बताइए हमें। हाँ। हमने इन दोनों को अनगिनत बार पीटा, तब तो आप कभी नहीं आए इनकी रक्षा करने, अब आपको क्या चुभ गया हैं? हम सब समझ गए, ये सब इनका मत प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। आप ऐसी बातें कर रहे हैं गुरुवर, ऐसा करने के लिए मुझे कुछ करने की आवश्यकता थोड़ी ना है। मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि ये दोनों अपना मतदान मेरे ही पक्ष में देंगे, क्यों धनी मनी? हाँ। अच्छा आपको क्या लगता है, ये दोनों आपको मत दे देंगे तो आप विजयी हो जाएंगे? हाँ? ना 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 ना। पंडित रामकृष्णा आप तो अपनी पोटली आ उं, उं, बांध लीजिए, क्योंकि मतदान के पश्चात आपका वन जाना पक्का है। सदैव की भांति आपने बिल्कुल सही बात की गुरुवर, मैं वन जाऊंगा, अवश्य जाऊंगा। अरे आपको गुरुवर कहता हूँ, इन्हें गुरुवर कहता हूँ मैं, तो आपका हाल चाल जानने यदा कदा वन तो आऊंगा ही ना। क्या कहा? इसलिए पोटली आप बांध लीजिए, क्योंकि मैं तो विजयनगर से जाने से रहा। शबरो जी गुरुदेव, तुम्हारे घर संतान किसके कारण पैदा हुई? आप ही के कारण गुरुदेव। हंसिए मत, इसके कहने का अर्थ है कि हमने भगवान शिव से प्रार्थना की तो इसके घर संतान का जन्म हुआ, समझे? शबरो मत किसे दोगे? निश्चित ही मेरा मत आपको दूंगा गुरुदेव। सुन लिया पंडित रामकृष्ण, जाओ शबरू। प्रणाम गुरुदेव। पंडित जी लीजिए मिठाई। रामा जी आपकी दी हुई युक्ति से मुझे व्यापार में अत्यधिक लाभ हुआ, आपको खोटी खोटी धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ ठीक है ठीक है, ये बताओ कि तुम मत किसे दोगे? आप क्षमा कीजिएगा गुरुवर, मत तो मैं रामा जी को ही दूंगा। भागो यहां से। बहुत बहुत धन्यवाद। तुम सही कह रहे हो, हम दोनों ही पंडित रामकृष्णा को अपना मत देंगे, वो विजयनगर छोड़कर वह नहीं जाने चाहिए। हाँ हाँ नहीं जाने चाहिए, नहीं जाने चाहिए। वैसे तो मैं पंडित रामकृष्णा को ही अपना मत देती, किंतु राजगुरु ने थोड़ी धन मुद्रा लाकर मेरा एक आवश्यक कार्य किया है, अतः उन्हें ही मत दूंगी। किंतु विजयनगर को धन ले दे के कार्य कराने वाले राजगुरु से अधिक पंडित रामकृष्णा की आवश्यकता है, अतः मैं तो उन्हें ही अपना मत दूंगी। पंडित रामकृष्णा को, राजगुरु तथाचार्य को, पंडित रामकृष्णा, राजगुरु तथाचार्य, पंडित रामकृष्णा, राजगुरु तथाचार्य, पंडित रामकृष्णा, पंडित रामकृष्णा, पंडित रामकृष्णा को, पंडित रामकृष्णा। आज आपके निवास स्थान पर मैं अवश्य आऊंगा। वो किसकी? अरे पोटली बांधने में आपकी सहायता करने के लिए। आपने देखा ना प्रजा में से अधिकतर लोगों ने क्या कहा कि वो मेरे पक्ष में ही मतदान देंगे। अरे कुछ लोगों के आपके पक्ष में हो जाने से आप विजयी नहीं हो जाएंगे, हमारे साथ लोगों के अतिरिक्त भगवान शिव भी हैं।
किंतु उन्हें तो मतदान करने का अधिकार नहीं है ना। आप चुप रहिए, हमारे शिव जी के विषय में कुछ मत कहिए आप। और आप सुन लीजिए, कान खोलकर, अभी तक आपने हमारा सीधापन देखा है, टेढ़ापन नहीं। अब देखिए हम आपके साथ क्या करते हैं। तूने तो गुरुवर को अत्यंत चिढ़ा दिया, वो धमकी देकर गए, अवश्य वो कुछ ना कुछ करेंगे। हाँ बंधु, अवश्य ये कुछ ना कुछ तो करेंगे, देखना ये है ये करते क्या है। ये पंडित रामकृष्ण स्वयं को समझते क्या है? अरे उन्हें विजयनगर की प्रजा जितना भी प्रेम करती हो, भय के आगे तो भूत भी भागते हैं। सब देखते जाओ तेल और तेल की धार। हम विजयनगर की प्रजा के हृदय में ऐसा भय उत्पन्न करेंगे, ऐसा भय उत्पन्न करेंगे कि पंडित रामकृष्णा के पक्ष में मत देना तो बहुत दूर की बात है, लोग इस विषय में सोचेंगे भी नहीं। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम महाराज। वर्षा ऋतु में जैसे मोर प्रसन्न रहते हैं, उसी भांति सदैव आप प्रसन्न रहिए महाराज। हो गई मतदान की तैयारियां? जी गुरुजी, मतदान शीघ्र ही होगा और तत्पश्चात उसके परिणाम भी हम सबके समक्ष आ ही जाएंगे। परंतु इस मतदान में कोई भी विजयी हो, हमारी पराजय तो सुनिश्चित है, क्योंकि पंडित रामकृष्ण हो या गुरु वर्तताचार्य, हमें तो दोनों ही अत्यंत प्रिय। गुरुजी, आपसे एक ही प्रार्थना है, इन दोनों में से जो भी आपके साथ बन जाए आप उसका पूरा ध्यान रखिएगा। महाराज आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, उनका उसी तरह से ध्यान रखा जाएगा जिस भांति आपका रखा था। आइए ये देखिए ये चित्र कैसा बना। कौन है ये? है नहीं अपितु होंगे पंडित रामकृष्ण और राजगुरु तथाचार्य के चेहरे, जो हम उन्हें देंगे। जो भी हमारे साथ वन आएगा वो ये चेहरा पाएगा, क्योंकि महाराज जिस चेहरे को हमें प्रतिदिन देखना है उसकी त्रुटियों को ठीक करना अत्याधिक आवश्यक है ना सुंदर। हमें क्षमा कीजिएगा पंडित रामकृष्ण और गुरुवर, आप दोनों को ही ज्ञात नहीं है कि जो भी बन जाएगा उसके साथ क्या होने वाला है। गुरुवर, आपने हमें इस समय मंदिर के बाहर क्यों बुलाया? कल रात्रि भगवान शिव हमारे स्वप्न में पधारे, अत्यंत क्रोधित दिख रहे थे, ऐसा प्रतीत हो रहा था अपने माथे पर स्थित तीसरा नेत्र खोल ही देंगे। तभी हमने भाग कर उनके चरण पकड़ लिए और पूछा, हे प्रभु आपके क्रोध का कारण क्या है? तो उन्होंने बताया। क्या कहा? उन्होंने बताया, ये तथाचार्य हम विजयनगर की प्रजा से अत्यंत ही रुष्ट हैं। वो रुष्ट क्यों है ये तो बताया नहीं उन्होंने। इससे पूर्व कि वो कुछ कहते हमारी निद्रा भंग हो गई, इसीलिए हमने आप सबको यहाँ पर बुलाया है कि भगवान शिव के क्रोध को शांत करने के लिए हमारे साथ मिलकर शिव स्त्रोत का अखंड पाठ कीजिए, ताकि भगवान शिव प्रसन्न हो सके। और इसी कार्य हेतु हमने महान साध्वी सुश्री सुधेश्वरी देवी को आमंत्रित किया है। अंतर्यामी तेजोमयी भगवान शिव की असीम अनुकंपा है उन पर, जो उनके मुख पर लगी भस्म से दर्शाती है। तांडव करके भगवान शिव को प्रसन्न करने का सामर्थ्य रखती है वो। आ गई सुधेश्वरी देवी। जय हो जय हो। शंभू
अरे भगवान, ये कैसे संभव हो सकता है? शिव जी कहाँ गए? शिव जी कहाँ गए? भगवान शिव रुष्ट हो गए। अरे भगवान शिव रुष्ट हो गए। भगवान शिव हम सबको छोड़कर चले गए। भगवान कहाँ चले गए? अरे भगवान शिव हमें छोड़कर चले गए। हमने कहा था ना कि विजयनगर की प्रजा से भगवान शिव रुष्ट हो गए हैं। कहा था ना? हे शिव! अरे मौन व्रत पर क्यों बैठ गई? जिस कार्य के लिए आई वो कार्य आरंभ करो। हम तो भूल ही गए थे, करते करते। ये पद चिन्ह किसी मनुष्य के नहीं बल्कि शिव जी के हैं। शिव जी के जो तब से रुष्ट होकर यहाँ से चले गए हैं। परंतु देवी, भगवान शिव हमें छोड़ के क्यों चले गए? ऐसा प्रतीत होता है भगवान शिव से बात कर रही है। हाँ, हमने अभी वार्तालाप की शिव से। उन्होंने कहा है कि जहाँ हमारे भक्त के लिए कोई जगह ना हो वहाँ मैं भी नहीं रह सकता। क्या कह रही हो तुम? हाँ। परंतु देवी, आखिर विजयनगर में भगवान शिव का परम भक्त है कौन? और कौन महोदय? और कौन? विजयनगर में शिव जी के अनन्य भक्त राजगुरु तथा चारे ही तो है। अरे हाँ, शिव जी के परम भक्त तो राजगुरु जी है। शिव जी सर्वज्ञाता हैं। अब आप सभी मिलकर शिव जी के क्रोध को शांत कर सकते हैं। है? परंतु कैसे महोदय? बताइए। वो ऐसे महोदय कि हमारे अनुसार यदि विजयनगर में चुनाव हुए और राजगुरु तथाचार्य को मतदान नहीं मिला तो इन्हें तो विजयनगर छोड़कर जाना होगा। अतः चुनाव में राजगुरु तथाचार्य को ही मतदान कीजिए। हाँ, जिससे राजगुरु तथाचार्य जी विजयनगर छोड़कर ना जाएं। यदि राजगुरु विजयनगर छोड़कर चले गए तो महाशिव फिर से रुष्ट हो जाएंगे और आप सबको भस्म कर देंगे। अनर्थ हो जाएगा, प्रलय आ जाएगी, प्रलय, क्योंकि शिव भक्त का अपमान, शिव जी का अपमान है। शिव 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 शिव। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, अब निकल लो। पंडित रामाकृष्ण, अब चुनाव में जीत हमारी होगी और वन जाने की तैयारी तुम्हारी होगी। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी मेरे पक्ष में ही अपना मत देंगे। नरोत्तम, तुम तो अपना मतदान मेरे ही पक्ष में करोगे ना? क्षमा, किंतु मैं अपना मत आपको देकर शिवजी को क्रोधित नहीं कर सकता। हैं? शिवजी? ये क्या कह रहे हो भाई? शिवजी भला क्यों क्रोधित होने लगे? हाँ पंडित रामकृष्णा, शिवजी हम सब से रुष्ट होके मंदिर त्याग के चले गए, अतः हम सब आपके पक्ष में मतदान नहीं कर सकते। किंतु नरोत्तम, शिवजी का और मुझे मत देने का क्या संबंध? शिवजी मंदिर त्याग के चले गए क्योंकि राजगुरु उनके परम भक्त हैं। यदि चुनाव में वो पराजित हुए तो शिवजी वापस कभी विजयनगर नहीं आएंगे और हम सबको भस्म कर देंगे। अतः हम सब लोग राजगुरु के पक्ष में मतदान करेंगे।
अभी क्या नया बवंडर उत्पन्न हो गया? इतना समझ लो विजयनगर वासियों, शिव जी का प्रचंड क्रोध तो अब तभी शांत होगा जब चुनाव में आप सब राजगुरु तथा आचार्य के पक्ष में मतदान देकर उन्हें विजयी बनाएंगे। महानगर वासियों, हम सब राजगुरु के पक्ष में ही मतदान करेंगे। हम उनके पक्ष में मतदान करेंगे। समझ गए ना, मत किसको देना है? चल चल जा, चलो भाइयों चलो। क्या चाल चली इस बुड्ढे ने, शिव जी का भाई विजयनगर वासियों के हृदय में जगा के सबको मूर्ख बना दिया और सब मूर्ख बन भी गए। मान गए इस दुष्ट बुड्ढे को। इतना बड़ा छल किया है गुरुवर ने तेरे और विजयनगर की प्रजा के साथ, अब क्या करेगा रामा? गुरुवर ने लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है बंधु, मुझे पराजित करने के लिए धर्म और भय का सहारा ले रहे हैं। अब देखना तू, मैं ऐसी चाल चलूंगा जिसकी कल्पना गुरुवर कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि बुद्धि में यदि वो डाल डाल है तो मैं पात पात हूँ। क्यों बंधु? सत्य वचन। क्या बात है शारदा, आज सबको भोजन पे निमंत्रित किया है, अब बता भी दो हमसे काम क्या है? क्या बात कर रही हो अक्का, कोई काम होगा तब भी तुम्हें भोजन पर निमंत्रित करेंगे क्या? हाँ है कोई काम, किंतु भोजन तो स्वादिष्ट करवाया है ना? अब बता भी दो बात क्या है? तुम लोगों को तो ज्ञात होगा कि महाराज मतदान करवा रहे हैं, तो तुम लोग रामा के पक्ष में अपना अपना मत देना, जिससे कि वो चुनाव में विजयी हो जाएंगे और उन्हें वन भी नहीं जाना पड़ेगा। शारदा, ये कार्य इतना आसान नहीं है, तुम्हारे पति के पक्ष में ढेर सारे मत पड़ेंगे तब जाकर विजयी होंगे, यदि वो पराजित हो गए तो उनका वन जाना निश्चित है। मैं तो सोच सोच के दुखी हो रही हूँ कि फिर तो ये निवास भी चला जाएगा, क्योंकि राज दरबार नहीं तो दिया है और क्या, अब जब पंडित रामाकृष्णा राज दरबार में कार्यरत ही नहीं होंगे तब निवास छिनना तो निश्चित है। और तुमने तो नया व्यवसाय भी प्रारंभ किया है उधार पे साड़ी देने का, उसका क्या होगा? अब तो कोई धन भी नहीं देगा, ये बचे हुए गहने भी बिक जाएंगे। चुप करो तुम लोग, हमारे ही घर में हमारे ही बनाए हुए पकवान खाकर हमें ही डरा रही हो? संयम रख शारदा, अन्यथा ये लोग रामा के विरुद्ध मतदान कर देंगे। देखो, तुम लोगों को रामा के पक्ष में ही मतदान करना है और उसके बदले जो भी चाहिए वो हम तुम्हें देंगे। बोलो क्या चाहिए? तुम्हारे झुमके, तुम्हारा हार, तुम्हारे कंगन। भोजन, भोजन के विषय में पूछ रही थी कि क्या चाहिए, रसम, इडली, वड़ा, उत्तपम, क्या? शारदा ये क्या कर रही हो, तुम घूस देकर मेरे लिए मत ले रही हो? हाँ, क्योंकि हम कोई भी स्थिति में आपको वन में नहीं जाने देंगे। हाँ तो तुम लोग बोलो, रामा के पक्ष में मतदान करोगी ना? हाँ शारदा, मैं तो इन्हें ही मत दूंगी अपना, लेकिन मैं तो राजगुरु तथाचार्य को ही चुनूंगी, वो धर्मगुरु भी है और शिवजी उन्हें दर्शन भी देते हैं। यदि उनको मत नहीं दिया तो शिवजी कहीं क्रोध में अपना तीसरा नेत्र ना खोल दें। अरे इस बारे में तो हम सब ने सोचा ही नहीं था, अब तो मैं भी अपना मत उन्हें ही दूंगी। मैं भी पेट भर के व्यंजन करते समय ये विचार नहीं आया? चलो चलो चलो, निकलो निकलो यहाँ से, निकलो, चलो, नहीं चाहिए तुम लोगों का मतदान, चलो चलो जल्दी निकलो निकलो। माँ शारदा, ये तुम दोनों क्या कर रही हो, इस प्रकार तो संपूर्ण विजयनगर मेरे विरुद्ध मतदान कर देगा,
कृपा करके इस मतदान से तुम दोनों दूर रहो। हाँ रामा, मुझे अत्यंत चिंता हो रही है। विजयनगर में तेरी बुद्धि से लोग प्रभावित तो है, किंतु उस तथाचार्य की भक्ति का भी प्रभाव कम नहीं है। यदि तू इस मतदान में पराजित हो गया तो? सही कह रही हो अम्मा, पराजय का अर्थ है वन की ओर प्रस्थान। किंतु आप जीतेंगे कैसे? गुरुवर आपको जीतने नहीं देंगे। ए बंधु! रामा, तेरी पराजय पक्की है, अब तेरे चक्कर में मुझे भी वन जाना पड़ेगा। भले आप अपने जीत के विषय में आश्वस्त हो, किंतु कहीं उल्टी गंगा ना बह पड़े। बम बम भोले, बोलो बम भोले। क्या बात है कि तुम दोनों के मुखमंडल पर उदासी के मेघ क्यों मंडरा रहे हैं? क्योंकि आप वन नहीं जा रहे गुरुजी। चुप! इतनी मार खाने के पश्चात भी पुनः वही राग अलाप रहे हो? हमें वन में भेज कर राजगुरु बनना चाहते हैं। किंतु ध्यान रहे, हम ऐसा कदापि नहीं होने देंगे। समझे या पुनः समझाए? जय शिव शंभू, जय शिव शंभू। संपूर्ण विजयनगर में अब त्रिकालदर्शी नीलकंठ भगवान शिव जी का शुभ आशीष रहेगा। सबकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। चारों ओर सुख समृद्धि ऐश्वर्य वैभव ही होगा। शिव जी की आराधना करें हम, चुनाव में शिव जी का प्रयोग करें ये अभी इन्हें बताते हैं। पंडित रामकृष्ण, पंडित रामकृष्ण, भगवान शिव पे हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, उनका नाम लेकर आप इनसे मत लेना चाहते हैं? अद्भुत, अद्भुत गुरुवर, अद्भुत, महान से भी महानतम। मित्रों, हमारे परम पूजनीय गुरुवर कितने सरल हैं, कितने सहज हैं, कितने सौम्य हैं। ये मुझसे कह रहे हैं कि कृपा करके मेरा नाम मत लीजिए, मैं निस्वार्थ भाव से प्रजा की सेवा करना चाहता हूं। राजगुरु तथाचार्य जी की, राजगुरु तथाचार्य जी की, राजगुरु तथाचार्य जी की। भाषण इन्होंने दिया, जय जयकार हमारे नाम की हो रही है। अब देखिए का गुरुवर, मैं प्रजा को आपके लालच के विषय में क्या बताता हूँ? क्या कह रहे हैं आप? ना गुरुवर, ना 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 ना। आप चाहे मुझे कितना भी रोक लें, किंतु मैं सबको बता कर ही रहूंगा कि इस संसार में एक से बढ़कर एक लालची मनुष्य हैं। ना ना, किंतु आप, आपके भीतर लालच, आप ऐसे मनुष्य हैं जिनके मन में लालच राई के दाने के समान भी नहीं है। निस्वार्थ है गुरुवर, निस्वार्थ। ये ऐसे मनुष्य हैं जिनके भीतर पाखंड सुई के समान भी नहीं है। इनके जैसा नेक, सदाचारी, सत्यवादी व्यक्ति कहीं हो ही नहीं सकता। विजयनगर को ऐसे देव तुल्य मनुष्य की अत्यधिक आवश्यकता है। इसलिए मैं आप सबसे विनम्र विनती करता हूं कि अपना मतदान राजगुरु तथाचार्य को ही दे। देखो, मैं तो अपना मत उन्हीं को दूंगा। मैं भी उन्हीं का दूंगा। सत्य वचन, मैं राजगुरु को जिताना चाहिए। पंडित रामकृष्ण हमारी प्रशंसा क्यों कर रहे हैं और स्वयं के स्थान पर हमारे लिए मतदान क्यों मांग रहे हैं? पंडित रामकृष्ण, सत्य बताइए, अब ये कौन सी नई तिकड़म है आपकी? हाँ, गुरुवर, अवश्य कीजिएगा। मित्रों,
हमारे परम पूजनीय गुरुवर कह रहे हैं कि ये शिवजी से प्रार्थना करके विजयनगर की प्रजा की सारी मनोकामनाएं पूर्ण करवाएंगे और आप सभी की आशाओं पर खरे भी उतरेंगे। और हाँ, ये भी कहा कि यदि ये विजयी हो गए तो पूरे एक सप्ताह तक स्वयं के व्यय पर विजयनगर की प्रजा के लिए भोज का आयोजन करवाएंगे, भोज का आयोजन। और ये भी कहा कि हर एक निर्धन व्यक्ति को एक एक स्वर्ण मुद्रा भी देंगे। क्या कह रही हैं आप पंडित रामकृष्ण? अरे हम तो किसी को एक फूटी कौड़ी भी ना दे। बस गुरुवर बस, कहीं मैं रो ही ना पड़ू। आप सबको पता है गुरुवर कह रहे हैं कि एक एक मुद्रा नहीं, ये दो दो स्वर्ण मुद्राएं देंगे। शिवजी की सौगंध भी खा रहे हैं, तो बोलिए दयालु करुणा के सागर, तीन बंधु दान वीर राजगुरु तथाचार्य की, राजगुरु तथाचार्य की, राजगुरु तथाचार्य जी की, राजगुरु तथाचार्य जी की, राजगुरु तथाचार्य जी की, राजगुरु तथाचार्य जी की। धनी बोल मनी, मेरी आंखें क्या देख रही हैं? पंडित रामकृष्ण बुद्धि की प्रशंसा कर रहे हैं। राजगुरु तथाचार्य जी की, राजगुरु तथाचार्य जी की। अरे प्रशंसा को छोड़, यहाँ जय जयकार के नारे भी लगवा रहे हैं, यहाँ तक कि उनके लिए मतदान भी करवा रहे हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे, क्या हो रहा है?